इसराइल हमास युद्ध के बीच कई अरब देशों ने इसराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। और इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ नरसंहार का एक मुकदमा भी दायर किया है, जिस पर आईसीजे में सुनवाई चल रही है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा अल्जीरिया ने भी इसराइल के ऊपर एक मुकदमा दायर किया है। इन सभी देशों ने इसराइल पर गाजा में आम नागरिकों की हत्याओं का आरोप लगाया है। वहीं इस सब के बीच अब इजरायली मीडिया ने एक ऐसी खबर दी है जिससे पूरे इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इसराइल के न्यूज चैनल 12 ने खबर दी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। और इस खबर के बाद इजरायली पीएम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी जिसमें सरकार के मंत्री और कानूनी जानकारों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में इस तरह के हालातों से निपटने के लिए रणनीति और वारंट जारी होने से रोकने के लिए सभी विकल्पों पर चर्चा की गई है। बता दें कि इस मीटिंग में इजरायल के कई बड़े सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक अरेस्ट वारंट को लेकर नेतन्याहू, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक के सामने चिंता जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया की सर्वोच्च अदालत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी वारंट जारी करने में सक्षम है। और इससे पहले आईसीसी ने मार्च 2021 में आधिकारिक तौर पर इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संभावित युद्ध अपराधों की जांच शुरू की थी, लेकिन इस मामले में पिछले 6 महीने में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इस सब में सबसे अहम बात यह है कि गाजा युद्ध शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले अमेरिकी थिंक टैंक अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी ने आईसीसी को लेकर कहा था कि अदालत की विश्वसनीयता में सुधार करने की कथित इच्छा के बावजूद आईसीसी के अभियोजक करीम खान द्वारा थोड़ा बहुत काम किया गया है। हालांकि गाजा मामले में आईसीसी के वकील करीम खान की विश्वसनीयता पर भी कई बार सवाल या निशान लगे हैं। कई जानकारों का आरोप है कि करीम खान ने गाजा मामले पर इसराइल को एक पीड़ित के रूप में दिखाया है। उन्हें जिस तत्परता से गाजा मामले पर काम करना चाहिए था उन्होंने वैसा नहीं किया है। यहाँ तक कि वो गुपचुप तरीके से इसराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीन गए थे जिसका बाद में खुलासा तक हुआ था। आपको बता दें कि साल 2021 से इसराइल ने आईसीसी की जांच में सहयोग नहीं किया है। इसराइल का कहना है कि वो आईसीसी के समझौते में शामिल नहीं है, इसलिए आईसीसी के पास उसके ऊपर जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि करीम खान खुद कह चुके हैं कि उनके पास हमास द्वारा संभावित अपराधों की जांच का अधिकार है।